हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और सीएमपी ने अपने कुछ कट ऑफ निकाले हैं 5 अगस्त के, उसका भी समझ लीजिए। पीजीएटी 5 अगस्त सन 2019, फिजिक्स में एसटी वालों को बुलाया ऑल, केमिस्ट्री में जनरल 116 एससीएसटी ऑल, बॉटनी में सिर्फ एससीएसटी को बुलाया, कॉमर्स में सिर्फ एससीएसटी को बुलाया, इकोनॉमिक्स में ओबीसी एससीएसटी सभी को बुलाया, साइकोलॉजी में सभी लोगों को बुला लिया है, चाहे वो जनरल ओबीसी एससीएसटी हैं, फिलॉसफी में जनरल 30 ओबीसी 20 एससीएसटी सभी, ज्योग्राफी में जनरल ओबीसी को नहीं बुलाया, एससी 60 एसटी सभी, एजुकेशन में जनरल 50 ओबीसी 25 एससीएसटी सभी, फिर जो है एंशियन हिस्ट्री में बुलाया है एससीएसटी सभी, मेडिवल हिस्ट्री में ओबीसी एससीएसटी सभी, हिंदी में बुलाया एससी 28 एसटी सभी, संस्कृत में सभी लोगों को बुला लिया चाहे वो जिस कैटेगरी के हैं, इंग्लिश में जनरल 53 ओबीसी 48 एससी एसटी सभी, उर्दू में सभी लोगों को बुला लिया है। तो ये तो पीजीएटी का कट ऑफ था। अब एडीसी का ज़रा एलएलबी का भी समझ लीजिए, जो 5 अगस्त को होने वाला, बहुत ध्यान समझिएगा। सीएमपी एडीसी एलएलबी अनरिजर्व 159, अनरिजर्व 159, एससी 138, अनरिजर्व एलएलबी के लिए अनरिजर्व 159, एससी 138। इन्हीं की मतलब लॉ सेक्शन की एक और इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये लिखा है कि बीए एलएलबी में ये एसटी वालों को लास्ट चांस दे रहे हैं कि जिसको लेना है 5 तारीख को आ जाएं एसटी वाले, ये लास्ट चांस है। उसके बाद एसटी की जितनी सीटें बचेंगी वो एससी में कन्वर्ट कर जाएंगी, मतलब एससी की एक और मेरिट अभी आएगी। इसी तरह से इन्होंने एलएलएम में भी यही बात लिखी है कि एसटी के लिए लास्ट चांस है, शेड्यूल ट्राइब के लिए लास्ट चांस है और उसकी जो सीटें हैं वो एससी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और दोनों को 5 अगस्त को बुलाया, जो नहीं लेगा तो फिर आगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी एससी की सीटों में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।